तो भाई साहब आज आ गए हैं जी बहुत ही बढ़िया जगह पे, और यहाँ पे है जी फूड का जायका इतना जबरदस्त। तो हमारे साथ है जी कमलजीत जी। क्यों जी, क्या हाल है जी? सत श्रीकाल जी। तो मैंने बहुत ही तारीफ सुनी है जी किंग ढाबा की, तो भाई साहब बता दें किंग ढाबा में आए हैं? ढाबा नहीं है, रेस्टोरेंट ही है। और यहाँ पे जो मेन शेफ है ढाबे के ओनर, किंग ढाबे के ओनर मिस्टर कमलजीत जी, ये देखिए भाई साहब क्या तैयार कर रहे हैं। कमलजीत जी सर मंचूरियन तैयार हो रहे हैं। मंचूरियन तैयार हो रहा है, वाह जी वाह, क्या बात है। किंग ढाबा, हाँ जी हाँ जी। कितना पुराना ढाबा है भाई साहब? 20 और 25 साल के करीब हो गए। 25 साल हो गए इस ढाबे को। हाँ जी। तो भाई साहब ये मंचूरियन बन रहा है, और आप ये मेरे सामने देख रहे हो, आप ये कैमरे में देख रहे हो, सामने है ये किचन इनकी, और काम चल रहा है धड़ाधड़। ये देखिए ये क्या बन रहा है इधर? चीज चिल्ली लग रही है। चीज चिल्ली लग रहा है। और ये गाइस ये ना समझना कि ढाबे में सब कुछ पतीले में रखा होगा, ये सारा कुछ ही फ्रेश तैयार करते हैं यहाँ पे। हर चीज़ यहाँ पे फ्रेश तैयार होती है, पतीले में कोई नहीं रखी जाती। क्यों जी? नहीं सर, प्रिपरेशन नाल दी नाल। तो कमल जी जी बताइए आपके पास क्या खास क्या है? आपको बटर चिकन मिलेगा सर नॉनवेज में। नॉनवेज में बटर चिकन आपका खास है, और बताइए? मलाई टिक्का भी है। चिकन टिक्का, फिश टिक्का, ईरानी चिकन, ये सारी आपकी टॉप की है जी। हाँ जी हाँ जी। चिल्ली चिकन हो गया, बटर चिकन स्पेशल मिलेगा आपको यहाँ का। अच्छा, बटर चिकन स्पेशल यहाँ पे मिलता है जयंदर में, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। तो क्या खास होता है उसमें? उसमें कीमा डाला होता सर। अच्छा, कीमा डाला होता है। ग्रेवी में कीमा भी मिलेगा आपको। अच्छा, बटर के बीच में। तो भाई साहब आपने तो कमल जी जी ये पूरी फौज रखी हुई है किचन में जी। काम तो बंदों ने करना है। क्या बात है जी, मैं समझ सकता हूँ 25 साल पुराना ढाबा है, और आपका शहर में नाम है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से क्लाइंटेज भी आपकी है, कस्टमर है, और उस हिसाब से स्टाफ भी रखना पड़ेगा। लाइन से लगे हुए हैं कमल जी जी, आप सारी तैयारी साथ में करते हैं, अपने जो भी स्टाफ है उनके साथ, शेफ के साथ आप भी साथ में काम करते हैं? मेन शेफ मेरे पास ही है। तीन शेफ आपके पास? हाँ जी हाँ जी। क्या बात, मेन शेफ ये है, ये 25 साल से मेरे साथ ही है। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर इनका जायका जो होगा प्रॉपर एक ही जायका चलेगा जब मर्जी लो। अच्छा, एक ही जायका मिलेगा 25 साल से, वही जायका आ रहा है, और बढ़िया मिलेगा, जो मिलेगा आपको सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो वो तैयार कर रहे हैं जी चीज़ चिल्ली। वो चीज़ चिल्ली तैयार हो रहा है, ये मंचूरियन तैयार। भाई साहब ये देखिए, ये मंचूरियन तैयार हो रहा है, ये ड्राई वाला जी? हाँ जी हाँ जी, ड्राई मंचूरियन, ड्राई वाला मंचूरियन। तो भाई साहब मैं ढाबे में आया हूँ, रेस्टोरेंट में आया हूँ, आपके पास सर आपको रेस्टोरेंट वाली फीलिंग ही मिलेगी। रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आ रही मेरे को यहाँ पे, जैसे मैं रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। चलिए दिखाइए जी और क्या आपके पास तैयार हो रहा है, और बताइए खास चीज़। ये दाल तैयार है जी। तो गाइस ये रही दाल जो हम देख रहे थे कि ढाबे की जो शान होती है, और पंजाबियों के फूड में जो ज़रूरी होता है ढाबे में, वो ये रही जी। तो ये कटती रहती रात भर? हाँ जी हाँ जी। तो ये इस तरफ लगते हैं आपका सारा मटेरियल तैयार होता है तंदूर का है। तो ये क्या जी, ये कमल टेम्परेचर मीटर है सर। तो भाई साहब ये किस लिए है? ये हमको तेल का टेम्परेचर बताता है। ये ऊपर लगा हुआ तेल का कैसे बताएगा? इस तेल का ये लगा हुआ सेंसर इसमें। अच्छा, ये सेंसर। अच्छा, ये सेंसर लगा हुआ, तो ये उसके ऊपर तो बताता रहता है हमें तेल कितना गर्म चाहिए। हाँ जी, मतलब हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, फूड उस तरीके से तैयार होता है तभी वो जायका आता है जो सही टेम्परेचर में। हाँ, फूड बनता है। कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, तो टेस्ट तो तेल होता रहेगा। तेल आप कौन सा यूज करते हैं दिखाएंगे? फॉर्चून है, इधर आइए दिखाता हूँ आपको, जब मर्जी आके चेक कर सकते हैं। फॉर्चून तेल इस्तेमाल करते हैं। फॉर्चून लीजिए भाई साहब, कोई शक नहीं, नंबर वन तेल जो है रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं फॉर्चून का, इसी में सारा कुछ तैयार होता है सारा फूड, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो ये इनका सारा हिसाब किताब है। और कमल जी जी बताइए आप और क्या खास आप तैयार करते हैं यहाँ पे? आपको बिरयानी मिलेगी सर। बिरयानी, चिकन बिरयानी मिलेगी। चिकन बिरयानी भी बनाते हैं? भी मिलेगी। अच्छा जी। वेज में आपको चीज चिली जैसे बताया, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर। अच्छा जी। पालक पनीर सभी ऐड में मिलेंगे? सभी ऐड में मिलेंगे आपके पास। ऊपर रेस्टोरेंट में मेन्यू अपना आपका मॉकटेल वगैरह भी मिलेगा आपको। अच्छा, मॉकटेल वगैरह भी आपने रखा? मॉकटेल मिलेगा। तो भाई साहब ये रेस्टोरेंट है, फिर ढाबा मत कीजिए। ढाबा पुराना नाम है मेरे ख्याल, किंग ढाबा पुराना ही चल रहा है, आप मशहूर है, तो आपने इसको बना दिया रेस्टोरेंट। ढाबे के हिसाब से चल रहा है, मतलब कि आपको फीलिंग जो बैठने की वो रेस्टोरेंट वाली आएगी। हाँ जी। स्वाद जो है वो ढाबे वाला आएगा। तो भाई साहब ये देखिए धड़ाधड़ काम चल रहा है, उधर चल फ्राई हो रहा है चिकन, इधर चिकन की जो चिली चिकन का मसाला तैयार हो रहा है, और इस तरफ देखिए जी ये चल रहा है जी, यहाँ पे भी चिकन और वहाँ पे भी। वाह, ये लीजिए भाई साहब, ये चिकन डल गया इसमें, और ये चिल्ली चिकन जो हो गया रेडी। तो भाई साहब ये देखिए, ये चिल्ली चिकन जो है पैक हो गया, और इस तरफ क्या बन रहा है जी? कढ़ाई चिकन है। ये कढ़ाई चिकन बन रहा है, बटर स्पेशल है। ये बटर स्पेशल है, बटर चिकन है ना? बटर स्पेशल दिखाओ सारी प्रिपरेशन। अच्छा, ये बटर स्पेशल है और ये कढ़ाई चिकन, ये क्या डल रहा है जी? बटर स्पेशल, ये कीमा जी। ये बटर स्पेशल में बटर चिकन है ना ये? हाँ जी हाँ जी। ये कीमा डल रहा है। अच्छा, कीमे का क्या रोल रहता है जी? सही है, स्पेशलिटी इसी में ही है। ये आ गई क्रीम। अच्छा देखिए भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त कीमा बीच में डलता है, ये धनिया आ गया ऊपर, और इसको तड़का लग रहा है, और भाई गौर क्या ही खुशबू आ रही है। इस तरफ कढ़ाई चिकन जो है तैयार हो रहा है ज़बरदस्त। सर अपना नॉर्मल भी खा सकते हैं आप। अच्छा, कीमा नहीं खाना? अच्छा, वो भी आपको इसी तरह मिलेगा। भाई साहब ये देखिए कढ़ाई चिकन भी तैयार हो गया, यहाँ पे बटर चिकन की रंगत आ चुकी है उसके ऊपर, और देखने में बहुत ही सुंदर। और वाह, ये आ गया जी दोनों में अरोमा।
तो दो दो डिश इकट्ठी तैयार हो रही हैं। सरदार जी को 25 साल का एक्सपीरियंस है और डिश तैयार करते हैं बाएं हाथ से। और इस तरफ जो है आपको सब हर तरह का यहाँ पे तंदूरी आइटम भी मिलेगी आपको। चिकन मलाई टिक्का सर, ये चिकन मलाई टिक्का हो गया, ये चिकन टिक्का और ये ईरानी चिकन हो गया, तंदूरी चिकन, ये मैरिनेट मसाला सारा। आपने कब से ये रखा हुआ है? सही, ये कम दोपहर से हुआ। अच्छा, ये दोपहर से पड़ा, तीन चार घंटे पड़ा मैरिनेट करके रखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सीख में तो आपने इसके ऊपर ये कपड़े चढ़ाए हुए, इसके ये ऐसे ही रखते हैं हम। ये एक तो माल सूखता नहीं, एक डस्ट वगैरह पोल्यूशन की वजह से किचन के अंदर, फिर भी आपने इसको कवर किया। हमारे हम कवर करके रखते हैं। अच्छा, ये भी गर्म है। अच्छा, कवर नहीं किए। अच्छा, टोटल पीछे कवर करके रखा हुआ, इधर भी ये देखिए भाई, सब सारा कवर करके रखा है ऐसे, सब एक एक पीस कवर। अच्छा, इसकी खास बात है ये सूखता नहीं है ऐसे मसाला, ऐसे जो इसकी मॉइस्चर इसमें प्रॉपर बना रहेगा। अच्छा, उसके बाद आगे तंदूर में और कुछ लगने जा रहा है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, इसमें लगा रहे हैं। चलिए लगाइए, लगा रहे हैं अभी। ये कौन सा जी? चिकन टिक्का जी, लगाइए जी चिकन टिक्का। ये देखिए जी, लग गया जी चिकन टिक्का। तो आप ये देखिए कमल जी ने अपने अंदर किचन के अंदर जो है सफाई का पूरा क्यों जी आपने ध्यान रखा हुआ? ये नहीं है कि कोई ऐसे इधर उधर चीज गंद पड़ा हुआ है। जब भी फूड तैयार होता साथ ही जो है जो आपका वर्क टॉप साफ होता है। ये देखिए यहाँ पे लग रही है चपाती, और हर तरह की चपाती मिलती होगी आपकी? चपाती, नान, बटर चपाती, मिसी रोटी, जो ढाबे में नॉर्मली हर तरह की मिलती है। मिर्ची परोठा, गार्लिक नान, अच्छा गार्लिक नान, चीज नान, सब कुछ मिलेगा। तो क्या टेस्ट करवाओगे आप? कौन सी आपकी टॉप की डिश वेज और नॉन वेज में? क्या क्या? बटर चिकन खिलाएंगे स्पेशल, क्या बात है। उसके अलावा चिली चिकन है। अच्छा जी, चीज चिली है, चीज फिंगर है। और जी ढाबे में आए हैं तो मखनी दाल आ जाओ, वो भी मिलेगी, वो मिस नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि जो ढाबे में अगर वो नहीं खाई लगी, पनीर बटर मसाला भी मिलेगा। अच्छा, तो कमल जी आपका ये जायका लेने के लिए आना कहाँ पड़ेगा ये बता दीजिए। सर जी, ये अवतार नगर रोड पे है, कनाल रोड, इंडियन बैंक के साथ में, किंग ढाबा। किसी से पूछ सकते, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो टाइमिंग क्या रहेगी जी? टाइमिंग 11 से 11। ये सीढ़ियाँ इनके ऊपर वाले हॉल फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं, तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। तो भाई साहब आ गए जी किंग ढाबे के फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट में। ये है इनका मेन हॉल, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप सारा मॉकटेल वगैरह हर चीज मिलेगी आपको, सबको मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है, बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया रहने वाला। यहाँ पे लिफ्ट जो है फूड के लिए भी लगी हुई है। ग्राउंड फ्लोर में किचन है, और फर्स्ट फ्लोर में जो हॉल है, और थर्ड फ्लोर तक जाता है। ये देखिए भाई साहब, फूड हमारा आ चुका है ऊपर, तो ये होगा जी सर्व हमें। तो चलिए चलते हैं टेबल पे, एंजॉय करते हैं फूड पे। तो भाई साहब किंग ढाबा पे आए हैं, तो आप देख लीजिए फूड इतना सजा हुआ है हमारे सामने टेबल पे। तो मैं किसकी तरफ देखूं, किसकी तरफ ना देखूं, अपनी बेस्ट जो डिशेज है, एक नहीं, दो नहीं, चार पांच भेज दी, बेस्ट तो सभी हैं। बहुत सारी जगह में एक या दो चीज स्पेशल होती है, यहाँ पे 8-10 चीजें आपको स्पेशल में मिलेंगी। 25 साल पुराना ढाबा जी, तो स्नैक्स से शुरू करते हैं, देखते हैं इनका स्नैक्स जो है क्या कहता है। अगर मलाई टिक्का तो मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है। अगर ये बढ़िया है ना तो फूड बढ़िया होगा। ये देखिए, ये हम इसको चटनी में करते हैं। ये पुदीने की चटनी है जी, मिंट सॉस नहीं मिलेगी आपको दूसरी बाजार वाली, ये इनकी खुद की बनाई हुई। ओहो वाह वाह वाह, नंबर वन आइटम है जी, नंबर वन। ये है जी चिकन टिक्का, इसको करते हैं जी ऐसे। वाह, चिकन देखिए जो फ्रेशनेस है ना, पास आके दिखाइए थोड़ा, जो फ्रेशनेस है ना बहुत बढ़िया, हाथ लगाते ही ये टूट रहा है। पनीर टिक्का मसाला, वाह जी वाह, क्या बात है। ये है जी चीज़ चिल्ली, ये देखिए भाई साहब इनका बहुत ही ज़्यादा जो के फेमस है बटर स्पेशल। अगर ढाबे में आया तो मखनी दाल नहीं खाई, तो ढाबे में आना तो वेस्ट ही रहेगा। तो आप ऊपर बटर दे सकते हैं, मखनी दाल इसका नाम है तो बटर तो रहेगा ही, इसको तो हम कभी भी मिस नहीं करेंगे। ये है कढ़ाई चिकन, बहुत ही स्पेशल डिश है, और जो देखने में ये देखिए कैसे अरोमा ऊपर आ रहा है। आप चेक कीजिए क्वान्टिटी, ये हाफ क्वान्टिटी है और फुल से कम नहीं लग रही, दो तीन लोग तो आराम से इसको खा सकते हैं। काली मिर्च चिकन, बटर चिकन जी, जिसकी धूम मची हुई है पूरे शहर में। सर जी पहली बाइट में ही जो ना मुंह बटर से भर गया, और जो चिकन की सॉफ्टनेस है ना कमाल की है। बहुत जगह हमने नॉनवेज खाया, फ्रेशनेस का जो टेस्ट आ रहा है वो कमाल का। वाह, लोगों के दो तीन चीज़ें स्पेशल होती हैं इनकी, 8-10 चीज़ें स्पेशल हैं। ओहो, गजब का टेस्ट। ये है जी काली मिर्च, बहुत सारे लोगों की पसंद होती है काली मिर्च चिकन, आजकल इसका तो बहुत ट्रेंड है। काली मिर्च वाला चिकन का नाम है, पर काली मिर्च मुझे थोड़ी कम लगी, टेस्ट में पेट भर गया। तो भाई साहब आप अगर अभी तक यहाँ पे आए नहीं ना, अगर आप मिस कर गए किंग्स ढाबा को, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जी, नॉन वेज लवर है। यहाँ पे वेज भी बहुत स्पेशल मिलता है, और फूड जो है ना एंड सिरा। तो भाई साहब जो मेरी प्लेट में, इसको मैं करता हूँ फिनिश। तो फिर मिलते हैं जी अगली वीडियो पे, नए फूड के साथ, नई जगह पे। टेक केयर, बाय बाय।